हेलो 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 सबको नमस्कार है, प्रणाम है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सर, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो गए थे दादी के कारण, तो आइए हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेक्टर एंड स्केलर। आपके चैप्टर का नाम है द नेम ऑफ द चैप्टर इज वेक्टर एंड स्केलर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे, और एग्जाम भी कुछ लोगों का हुआ होगा, कुछ लोगों का बाकी होगा। तो एग्जाम्स में अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो एनटीपीसी में आ रहे हैं एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो सारे बच्चे लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसका कोई माई बाप नहीं है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये रेलवे है मेरी जान, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते हम कि ये पूछेगा ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ये नहीं पूछेगा, ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसलिए ये सोच के चुप नहीं बैठना है कि क्या होगा, कहीं ना कहीं सर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी और क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे आएंगे। और हमको तो ये नहीं समझ में आता कि एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा पढ़ के जाए। आते हैं सर, सदीस और अदीस एक टॉपिक है जो कि पूरे फिजिक्स में हर दिन चलेगा। द नेम ऑफ द टॉपिक इज सदीस एंड अदीस। द नेम ऑफ द टॉपिक इज सदीस और अदीस। आपका जो टॉपिक का नाम है सदीस और अदीस, सदीस बोले तो वेक्टर और अदीस बोले तो स्केलर। सदीस बोले तो वेक्टर, अदीस बोले तो स्केलर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बीपीएससी में आया था सर, बीपीएससी में तो 30 क्वेश्चन थे सर, बीपीएससी में 30 क्वेश्चन थे साइंस के, लेकिन सर एनटीपीसी में थोड़ा सा एनटीपीसी वालों ने हमारा भी दिल तोड़ दिया है, क्वेश्चन थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन सर आगे क्या होगा इस पर कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि क्वेश्चन जब इजी होगा तो इजी वाले पूछ लिए जाएंगे, तो ऑब्वियसली टफ की ओर मूवमेंट होगा। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आते हैं हम सर सदीश में। व्हाट इज सदीश? सदीश की अगर हम बात करें, सदीश स का मतलब होता है सर हाँ। अगर हम स की बात करें तो इसका मतलब होता है हाँ, दीश बोले तो दिशा, और अदीश अदीश अ मतलब होता है नहीं, और दीश मतलब होता है दिशा। हाँ हो दिशा जिसमें उसे सदीश कहते हैं, और नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदीश कहते हैं। देखिए जैसे हम लोग कहते हैं सर, अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर हम अदीश की बात करें, अदीश कहते हैं नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदीश कहते हैं, जिसमें दिशा नहीं होगा उसे हम अदीश कहते हैं, जिसमें दिशा नहीं होगा उसे हम अदीश कहते हैं, और जिसमें होगा दिशा उसे सदीश कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं अमान्य जो मान्य नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है, गौर फरमाइएगा जनाब, अमान्य जो मान्य नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है, अदीश जिसमें दिशा नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं अदीश जिसमें दिशा नहीं है, असाधारण जो साधारण नहीं है, अमान्य जो मान्य नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं हां हो दिशा जिसमें उसे सदीश कहते हैं, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदीश कहते हैं। अब मामला क्या है सर, गौर फरमाइएगा। जैसे हम लोग कहते हैं अमान्य है मतलब मान्य नहीं है, असाधारण है जो साधारण नहीं है, तो कहते हैं अदीश है जिसमें दिशा नहीं है। पूरे के पूरे पूरा का पूरा जो मामला है वो इसी के अराउंड घूमते फिरते रहता है। अब गौर फरमाइएगा सर, ग्रुप डी में साइंस का क्वेश्चन फिक्स है, पहले से 25 क्वेश्चन रहेंगे, फिक्स है पहले से। इसलिए प्यारे बच्चों मत समझना कि एनटीपीसी में सर साइंस और आर्ट्स दोनों रहता है जीएस सेक्शन में, लेकिन ग्रुप डी में केवल साइंस है। इसलिए प्यारे बच्चों
उसमें 25 क्वेश्चन रहने हैं, 20 से 25 क्वेश्चन रहने हैं साइंस के, इसलिए प्रॉपरली आप मेहनत कीजिए और तब जाके आपका काम होना है। अब ध्यान दीजिएगा सर, जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं सर, हम लोग कहते हैं कि 2 kg, क्या कहते हैं सर हम लोग 2 kg, क्या कहते हैं हम लोग 2 kg, अगर हम लोग कहते हैं 2 kg या 3 kg, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम लोग कहते हैं सर कि 2 kg या 3 kg, अगर 2 kg या 3 kg की बात करते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण, परिमाण में जैसे 2 परिमाण है, 3 परिमाण है, तो 2 kg और 3 kg में ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, परिमाण। 2 kg और 3 kg क्या है सर, सबको नमस्कार है, ये परिमाण है। अगर हम कहते हैं 5 न्यूटन पूरब के तरफ, तो ये जो 5 न्यूटन है ये परिमाण है, ये जो 5 न्यूटन है सर ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, ये 5 न्यूटन एकदम आराम से सर, बी कंफर्टेबल, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। और ये जो पूरब है ये दिशा है, और यहां जब आओगे तो इसके पास केवल परिमाण है, परिमाण और परिमाण में डिफरेंस है, इसमें सर केवल परिमाण है, दिस इज मैग्नीट्यूड, इसमें दिशा नहीं है, ध्यान दीजिएगा सर। अगर हम 2 kg की बात करें सर, बड़ा उलझा हुआ टॉपिक है इसलिए एकदम प्रॉपरली ध्यान देना, अगर हम 2 kg की बात करें, 2 kg केवल परिमाण है और 5 न्यूटन पूरब की ओर, तो यह पूरब दिशा है, 5 न्यूटन परिमाण है। आप गौर से देखोगे कुछ में केवल परिमाण होता है, कुछ में परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो इसको हम सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो इसे हम अदिश राशि कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सर। एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। अगर किसी में केवल दिशा है और दिशा और परिमाण दोनों है तो यह सदिश राशि है, और केवल परिमाण है दिशा नहीं है तो यह अदिश राशि है। यह सदिश और अदिश में अंतर है सर, पढ़ना बहुत बड़े त्याग का दूसरा नाम है, ये तपस्या का दूसरा नाम पढ़ाई है सर, ज्ञानार्जन जो है ना ये तपस्या का दूसरा नाम है, राजा महाराजा भी वन में जाकर ज्ञानार्जन करते थे तपस्या करके। इसलिए सर प्यारे बच्चों इस पे पूरा कंसंट्रेट करो, मान लेते हैं कि मेरे में एक निश्चित दिशा है, मैं रोड पर चल रहा हूं और एकदम निश्चित दिशा में चल रहा हूं, निश्चित दिशा में चल रहा हूं इसका मतलब मैं सदिश हूं, और अगर मेरी दिशा निश्चित नहीं है ऐसे 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 ऐसे, जैसे मक्खी की दिशा, मच्छर की दिशा, जैसे ट्रेन की दिशा, कोई निश्चित दिशा नहीं है, जैसे बस की दिशा, कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो वो सदिश, लेकिन बंदूक से निकली हुई गोली की दिशा, ऐसी ऐसे गोली नहीं चलती है, गोली जब भी चलेगी ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी इसका मतलब वो सदिश है। और अगर ट्रेन की बात करोगे, ट्रेन ऐसे से चलता है, उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वो अदिश है। तो सर परिमाण दोनों में कॉमन है, ये जो मैग्नीट्यूड है ये दोनों में कॉमन है, इसमें दिशा नहीं है तो ये अदिश है, इसमें दिशा है तो ये सदिश है, ठीक है। अब ध्यान देना, हम डिफाइन करेंगे सदिश और अदिश को, कहते हैं वैसी भौतिक राशि जिसके पास और अदिश भी, जिसके पास परिमाण दोनों के पास होगा, मैग्नीट्यूड हर भौतिक राशि के पास होता है लेकिन परिमाण इसके पास भी होगा, परिमाण इसके पास भी होगा, सदिश है तो इसमें दिशा होगा और अदिश है तो इसमें दिशा नहीं होगा, ध्यान देना। ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट सर काम चल रहा है सर, ऐसे ही कुछ भी नहीं छाप देंगे, टाइम लगेगा सर, उसमें आएगा तो मैं जब फाइनल होने वाला होगा तो मैं तुमको बता दूंगा,
सदिश जिसके पास परिमाण हो, दोनों के पास परिमाण है, जिसके पास दिशा होगा वो सदिश होगा, जिसके पास दिशा नहीं होगा वो अदिश होगा। दिशा में भी कैसी दिशा? निश्चित दिशा। दिशा में भी कैसी दिशा? निश्चित दिशा होगा तो वो सदिश होगा, और निश्चित दिशा नहीं होगा तो ये अदिश हो जाएगा। अब एग्जांपल पे आते हैं, ये पूरा फिजिक्स में यही डेली चलेगा ये सर। अगर हम सर एग्जांपल्स में आते हैं तो आप ले लो द्रव्यमान। द्रव्यमान की अगर आप बात करोगे तो द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती। सर एनटीपीसी का वीडियो क्लास खत्म होने के 15 दिन बाद तक रहेगा, आप रिवीजन कर लो उसने में, और खूब मन लगा के जितना आप बोलोगे तो और 10 दिन बढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ लो सर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन के अलावा 25 दिन बढ़ा देंगे, लेकिन सर पूरी की पूरी पढ़ाई कर लो, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, अल्टीमेट गोल होना चाहिए आपका। पढ़ो ना सर आप लोग, आप लोग को लग जाएगा कि अब हो गया सर मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, अब सर आप वीडियो हटा सकते हो तो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो। अगर हम सदिश की बात करें सर और अदिश की बात करें, ग्रुप डी में सर 25 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना। अगर हम सदिश की बात करें तो इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होगा, इसके पास परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। बड़ा उलझा हुआ टॉपिक है, बढ़िया से देखना। द्रव्यमान यह अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। कभी जाके आप बोलते हो कि 5 kg गेहूं दे दो उत्तर की तरफ मुंह करके, कभी कोई बोलता है कि 5 kg गेहूं दे दो उत्तर की तरफ मुंह करके, कोई नहीं बोलता। इसका मतलब द्रव्यमान अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। आयतन, आयतन की अगर हम बात करें, कभी आप ये बोलते हो कि 2 liter दूध दे दो पूरब की तरफ मुंह करके, कभी कोई ये बोलता है कि 2 liter दूध दे दो पूरब की तरफ मुंह करके, क्योंकि आयतन अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। क्षेत्रफल, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की कोई दिशा होती है क्या? क्षेत्रफल की कोई दिशा नहीं होती, क्षेत्रफल की कोई दिशा नहीं होती है। क्यों? कभी कोई नहीं कहता कि मेरा घर जो है ना 1100 स्क्वायर फीट में है पूरब की तरफ मुंह करके, या त्रिभुज का एरिया 5 m² है पूरब की तरफ मुंह करके, तो क्षेत्रफल इसका मतलब अदिश राशि है। ऊर्जा, ऊर्जा क्या है सर? एनर्जी की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा का कोई दिशा होती है? कभी कोई बोलता है कि कॉम्प्लेन पिएंगे तो पूरब की तरफ ऊर्जा आएगा, और बूस्ट पिएंगे तो पश्चिम की तरफ ऊर्जा आएगा। शक्ति की कोई दिशा होती है? कभी कोई ये बोलता है कि मेरी शक्ति पूरब की तरफ है, मेरी शक्ति पश्चिम की तरफ है। कार्य की कोई दिशा होती है? कभी ये कोई कुली आपको कहता है कि हम खाली पूरब की तरफ काम करेंगे, पश्चिम की तरफ मुंह करके काम नहीं करेंगे? कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इसकी कोई दिशा नहीं होती। कहते हैं जनाब कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इस सबकी कोई दिशा नहीं होती। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, सबकी कोई दिशा नहीं होती, देयर इज नो डायरेक्शन। कार्य की कोई दिशा नहीं होती, ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती, शक्ति पावर की कोई दिशा नहीं होती, ठीक है? कार्य देयर इज नो डायरेक्शन, एनर्जी कोई डायरेक्शन नहीं, शक्ति कोई दिशा नहीं। लेकिन अगर आप दिशा की बात करोगे तो गौर फरमाना इसके एग्जांपल्स में, जिसमें दिशा होती है, एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सर, इसको हम लोग डेली पढ़ेंगे, डेली जितना भी बता रहे हैं। कार्य क्यों अदिश राशि है ये फिर बताएंगे, ऊर्जा क्यों अदिश राशि है ये फिर बताएंगे। आपको अभी सिर्फ 2% समझना है, मात्र 2%। जिसमें दिशा होगा वो सदिश है, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश। इतना समझ लिए काफी है, धीरे धीरे हम आपको सारा समझा देंगे। अब हम आते हैं दूरी और विस्थापन में, पहले भी हमने बताया है, अभी फिर बताते हैं आपको। यहां से यहां तक ये सीधे चला गया, ये हो गया दूरी। लेकिन अगर ये ऐसे भी जा सकता है,
इस पॉइंट पर, तो इसको हम न्यूनतम दूरी कहते हैं, और ये हो गया दूरी जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन न्यूनतम दूरी की निश्चित दिशा होती है, आपको सीधे जाना पड़ेगा। तो न्यूनतम दूरी का दूसरा नाम है विस्थापन, न्यूनतम दूरी का दूसरा नाम है क्या? विस्थापन। ध्यान देना सर, हमने क्या कहा कि दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, न्यूनतम दूरी की एक निश्चित दिशा होती है क्योंकि वो सीधे जाएगा, दैट इज विस्थापन। न्यूनतम दूरी की एक निश्चित दिशा होती है। अब देखो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई प्यार करता है तो उसका नाम हो जाता है आशिक, है वो आदमी लेकिन इसका एक स्पेशल नाम दे दिया हम लोग आशिक। कोई मर्डर करता है तो उसका स्पेशल नाम हम लोग मर्डरर दे देते हैं जबकि है वो आदमी। ये न्यूनतम दूरी एक प्रकार की दूरी है, लेकिन चूंकि न्यूनतम दूरी है इसलिए इसका स्पेशल नाम विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, न्यूनतम दूरी है इसलिए इसका स्पेशल नाम है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। देखिए, दूरी की एक निश्चित दिशा होती है, दूरी की अगर हम बात करें, दूरी की एक निश्चित दिशा नहीं होती जबकि न्यूनतम दूरी की एक निश्चित दिशा होती है। अगर हम दूरी की बात करें सर, तो दूरी की एक निश्चित दिशा नहीं होती जबकि न्यूनतम दूरी की एक निश्चित दिशा होती है, न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो इसका मतलब विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है, यह सदिश है, और दूरी की एक निश्चित दिशा नहीं होती, यह अदिश है। अगर आप दूरी की बात करोगे सर, दूरी की एक निश्चित दिशा नहीं होती इसलिए यह अदिश है। विस्थापन देखो तुम, इसकी एक निश्चित दिशा होती है क्योंकि यह न्यूनतम दूरी है जिसकी निश्चित दिशा होती है, सीधे होती है, यह विस्थापन है, यह सदिश राशि। तो दूरी क्या है सर? दूरी एक अदिश राशि और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि। गौर फरमाइएगा, यहां जब आप आओगे हम इसमें लिख सकते हैं विस्थापन, विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है इसलिए यह सदिश राशि। और जब यहां आओगे आप, यह हो गया दूरी, दूरी की कोई निश्चित दिशा नहीं होती इसलिए यह अदिश राशि। अब सर अगर थोड़ा और बढ़ते हैं, देखिए अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, मान लीजिए कि बाप बराबर बेटा बटे दुश्मन होता है, बाप बराबर बेटा बटे दुश्मन, मान लेते हैं सर कि बाप बराबर बेटा बटे दुश्मन। तो अगर बेटा बढ़ेगा, बेटा अगर कुत्ता होगा तो बाप भी कुत्ता होगा, अब बेटा अगर सही होगा तो ये भी सही होगा, ये दोनों में से कोई एक भी अगर कुत्ता है तो ये कुत्ता हो जाए, अगर ये दोनों कुत्ता है तो ये कुत्ता, अगर कोई एक आदमी है तो ये आदमी, अगर बेटा भी कुत्ता दुश्मन भी कुत्ता तो ये कुत्ता, अगर ये आदमी है ये कुत्ता है तो ये आदमी है। अब बोलोगे नहीं समझे, अगर बरा सूत्र में, किसमें सर? सूत्र में अगर ये जैसे आप लिखोगे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, ये अदिश होगा, और ये अगर सदिश है और ये अदिश है, ये सदिश होगा, कोई एक भी सदिश होगा तो ये सदिश हो जाए, अगर दोनों अदिश होगा तो ये अदिश हो जाए, नहीं समझे? अगर ये भी अदिश, ये भी अदिश, तो ये अदिश, कोई एक इसमें से सदिश हो जाएगा तो ये सदिश हो जाए। अब तुम बोलोगे कैसे? जैसे तुम समय पे आ जाओ, समय की कोई दिशा होती है क्या? कभी कोई ये बोलते है, बोलता है कि दो बज रहा है पूरब की तरफ, 2% मात्र थोड़ा समझना है इसलिए धीरे धीरे समझना। कभी कोई ये बोलता है ओ दो बज रहा है पूरब की तरफ,
कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है कि 2 बज रहा है पूरब की तरफ। कभी तरह कोई कहता है कि 3 बजे से क्लास है तो और पश्चिम की तरफ, क्योंकि उसमें दिशा ही नहीं होती। और जब दिशा नहीं होती इसका मतलब समय अदिश राशि है। समय क्या है सर? अदिश राशि है, क्योंकि उसमें दिशा नहीं होती। अब ध्यान दें, हम कहते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। एकदम आराम से बी कंफर्टेबल, जितना बुझाए उतने बुझना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी तो अदिश राशि है, दूरी अदिश मतलब कुत्ता है, समय भी अदिश है, ये भी कुत्ता है, इसका मतलब ये भी कुत्ता हो। अगर ये भी कुत्ता, कोई एक आदमी हो जाता तो ये आदमी हो जाता, मतलब कोई एक सदिश हो जाता तो ये सदिश हो जाता। जैसे आप ले लो वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन अब बट्टा समय। सर वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। तुम गौर से देखो, इस सदिश है, विस्थापन एक सदिश राशि है, इस सदिश है मतलब ये आदमी है, ये कुत्ता है, तो ये आदमी हो जाए। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ई विस्थापन सदिश राशि है, कोई एक सदिश होगा तो सदिश हो जाए, ई हो जाएगा आपका सदिश राशि। वेग जो है ये सदिश राशि है, और अगर चाल की बात करोगे तो ये अदिश राशि। क्यों अदिश है? दूरी भी अदिश है, समय भी अदिश है, इसलिए ये अदिश है। यहां समय तो अदिश है लेकिन विस्थापन सदिश है, तो कोई एक सदिश होगा तो सदिश राशि हो जाए। अब हमको ये बताओ सर कि चाल क्या होगा? तो चाल कहते हैं सर अदिश राशि है, क्योंकि इसका दोनों अदिश है। वेग सदिश राशि हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका एक विस्थापन सदिश राशि है और समय अदिश राशि, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सर, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी का। जैसे आप ले लीजिए सर त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है सर? वेग बटा समय। एकदम आराम से सर, त्वरण बराबर वेग बटा समय। तो वेग सदिश की अदिश है, कहेंगे वेग भैया सदिश राशि है, अभी तुरंत लिखे थे वेग सदिश राशि है, तो जब ये सदिश है तो ये भी सदिश होगा, कोई एक सदिश होगा तो ये सदिश हो जाएगा, यानी त्वरण सदिश राशि, ठीक है। अब आते हैं बल पर, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर अगर आप बात करोगे सर, ये द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। अब त्वरण द्रव्यमान तो अदिश राशि है, द्रव्यमान के बारे में हमने कहा था अदिश राशि है, एकदम 2% बुझना है, धीरे धीरे समझो। द्रव्यमान अदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। त्वरण क्या है सर? सदिश राशि है, आपके सामने है। जब ये सदिश राशि है तो ये भी सदिश राशि होगा, अर्थात बल भी सदिश राशि। फिर आते हैं हम सर संवेग पर, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ध्यान देना, द्रव्यमान अदिश राशि है लेकिन वेग तो सदिश है, तो वेग अगर सदिश है तो ये भी सदिश होगा, मोमेंटम अर्थात संवेग भी सदिश होगा। एक होता है सर आवेग, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। तो समय अदिश राशि है, सब जानता है, समय अदिश राशि है, सब जानता है। बल, बल तो सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, इसका मतलब ये भी इंपल्स यानी आवेग भी सदिश राशि होगा, दैट इज आवेग, आवेग भी सदिश राशि है। एकदम आराम से कहते हैं फिर से,
सर हर दिन आएगा, इसलिए एकदम अच्छे समझना। यहां तक थोड़ा सा टफ है ये, इसके बाद के सिलेबस इस चैप्टर के बाद बहुत आसान है, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है। आप इसको देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तब समझ में आएगा। कहते हैं एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। सदिश और अदिश दोनों में परिमाण कॉमन है, मैग्नीट्यूड दोनों का होता है, दोनों में मैग्नीट्यूड होता है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। इसमें दिशा होता है, सदिश में दिशा होता है, और अदिश नहीं हो दिशा जिसमें, उसे अदिश कहते हैं। तो सर सदिश की अगर बात करोगे तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ये सारे सदिश राशि हैं। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होता, आयतन में कोई दिशा नहीं होता, क्षेत्रफल में, कार्य में, ऊर्जा में, शक्ति में, दूरी में, समय में कोई दिशा नहीं होता। लेकिन सर आप इसका एक जुगाड़ भी ले सकते हो, ये आपका सदिश है और ये अदिश है। आप जब गौर से देखोगे तो वह जिसमें जिसमें है सब सदिश है। जैसे देखो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, जिसमें जिसमें वह लगा हुआ है सर वो सदिश है, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता है। विद्युत धारा अदिश राशि है, ये हर जगह लागू नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग इसको लागू कर देते हैं कि जिसमें वह लगा है वो सदिश राशि है। मेनली जो है लगभग चीजें पकड़ी जाती है, जैसे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, उसमें भी ब या व लगा हुआ है, जिसमें ब या व लगा हुआ है वो अधिकतर सदिश राशि है। सब तो नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतर सदिश राशि है, ठीक है। जिसमें ब और व लगा हुआ है वो अधिकतर क्या है, सदिश राशि, क्लियर। अब ध्यान देना सर, एकदम आराम से बी कंफर्टेबल। कहते हैं सिटिंग जरूर बोल देना, कहते हैं गौर फरमाइएगा कि जिसमें दिशा होगा वो सदिश, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश। जिस जिसमें वो लगा हुआ है, जैसे सर विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बलाघूर्ण, वो या वो लगा हुआ है डायरेक्ट। आप तुमको कि द्रव्यमान में भी तो वो है, वो या संयुक्त है ये सर। जिसमें डायरेक्ट बॉ और व लगा हुआ है वो अधिकतर सदिश राशि है। जिसमें नहीं लगा हुआ है, जिसमें द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, समय, इसमें वह नहीं लगा हुआ, यह अधिक राशि है। ये पहचानने का एकदम शॉर्टकट तरीका हुआ, ठीक है। लेकिन इसके ये जो डायरेक्ट हम बता रहे हैं सर, इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कि एक बच्चा लिख भी रहा है सर, संजीत सुमन जी, जो कि सुपौल से हैं, मेरे ही जिले के हैं, मेरा जिला का आदमी अधिकतर आधा पागल होता है, उसमें से एगो ईहो है। यह मामला क्या है, कुछ बच्चे इसके अपवाद है सर। हमने जो आपको कहा कि संवेग बराबर होता है वेग द्रव्यमान गुना वेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। तो आप कहोगे सर कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल डॉट विस्थापन। इसमें सर झोल है, या बल सदिश राशि है लेकिन फिर भी यह अदिश राशि है। तो इसके कुछ अपवाद हैं जो कि आप धीरे धीरे समझ पाओगे, एकाएक सर नहीं हो पाएगा। जब आप वर्क पावर एनर्जी में जाओगे, जब इसी में सर आप डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा। हम इन जनरल बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे अपवाद हैं, जैसे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, लेकिन बल सदिश है फिर भी दाब अदिश है। तो हम जाएंगे सर धीरे धीरे, तो बात करेंगे, धीरे धीरे आपका माइंडसेट बनेगा। फिलहाल हमने जो समझाया आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, और धीरे धीरे जब हम वहां भी जाएंगे तो हम कैसे कैसे फिर उससे उसके साथ आपको करना है वो भी हम बताएंगे। फिलहाल आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ यह सोचना है कि जिसके पास दिशा होगा वो सदिश है, जिसके पास दिशा नहीं होगा वो अदिश है, ठीक है। और जिसमें इसमें वो लगा हुआ है वो लगभग सदिश होता है, जिसमें वो नहीं लगा हुआ है वो अदिश है। अब जब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और देखिएगा सर, जैसे आप सदिश का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बल, और अदिश का एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप,
द्रव्यमान, ठीक है। अगर आप सदिश का एक एग्जांपल ले लीजिए बल और अदिश का एक एग्जांपल ले लीजिए द्रव्यमान, ठीक है। अगर आप किसी वस्तु पर, ये कोई वस्तु है सर, आप देखिएगा, अगर आप प्लस टू विथ साइंस रहे होंगे तो आपको एक किताब पढ़नी पड़ी होगी वेक्टर अलजेब्रा, एक किताब आप पढ़े होंगे सर, एंड द नेम ऑफ द बुक इज वेक्टर अलजेब्रा। क्या नाम से किताब का सर? वेक्टर अलजेब्रा। हाँ सर, हम बोल रहे हैं बहुत सारे अपवाद हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे, चैप्टर ऐसा है कि पूरा फिजिक्स के लास्ट डे तक चलेगा। सर सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होगा जैसे बल में दिशा है, अदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होगा जैसे द्रव्यमान में दिशा नहीं है। अगर मान लीजिए कि 5 न्यूटन का बल इधर की तरफ लगता है और 5 न्यूटन का बल इधर की तरफ लगता, 6 न्यूटन का बल इधर की तरफ लगता है, तो अगर आप प्लस टू विद साइंस रहे होंगे तो एक किताब पढ़े होंगे, द नेम ऑफ द बुक इज वेक्टर अलजेब्रा। मैंने सारे वो जो 6 क्लासेस मैंने मॉर्निंग शिफ्ट में लिए थे सर, उसको मैंने पब्लिक कर दिया, आप उसको जरूर देख के जाइए एग्जाम हॉल में। वो 6 के 6 क्लास मैंने पब्लिक कर दिया, आज सुबह वाला क्लास भी पब्लिक हो गया है, आप उसको देखिए। अगर ये 5 न्यूटन और ये 6 न्यूटन का है तो आप डायरेक्ट सर देखिएगा, वेक्टर अलजेब्रा करके एक प्लस टू में किताब आती थी, इसका मतलब सदिश का अलजेब्रा अलग है, इसीलिए किताबें हैं वेक्टर का अलजेब्रा, सदिश का अलजेब्रा। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर उस क्लास को पब्लिक कर दीजिए, तो मैंने उसको पब्लिक कर दिया। उसका देखो लास्ट क्वेश्चन जो था लास्ट क्लास का 6ठे का मोल पदार्थ की मात्रा, वो भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया है सर। इस क्वेश्चन इतना आसान पूछ रहा है कि कोई पढ़ाएगा तो क्वेश्चन उसका बन जाता, जैसा क्वेश्चन अभी 2-3 शिफ्ट में पूछा। अब आज क्या होगा तो अभी हम रिव्यू देंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अलग अलग डेज का एग्जाम का अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। कहते हैं कि अगर ये 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 6 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो तुम ये नहीं कह सकते 11 न्यूटन का बल लग रहा है। इसके सर अपने अलजेब्रा है, इसका अपना अलजेब्रा है, ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन, साधारण सिंपल अलजेब्रा के नियम का पालन नहीं करता। लेकिन अगर ये कोई वस्तु 2 kg की है और ये कोई वस्तु 3 kg की है, तो टोटल द्रव्यमान जो होगा वो 3×2 = 5 kg होगा। अगर ये 2 kg है और ये 3 kg है तो टोटल द्रव्यमान 3×2 = 5 kg होगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। गौर फरमाइएगा, अगर हम कहते हैं कि ये 2 kg का द्रव्यमान है और ये 3 kg का द्रव्यमान है, तो टोटल द्रव्यमान जो हो जाएगा वो 5 kg का हो जाएगा। टोटल द्रव्यमान जो हो जाएगा सर ये 5 kg का हो जाएगा। लेकिन अगर ये 5 न्यूटन है और ये 6 न्यूटन, तो ये 11 न्यूटन नहीं हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अदिश जो है ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता, साधारण बीजगणित के नियम का पालन यह करता है, लेकिन यह नहीं करता। सदिश जो है यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता, साधारण बीजगणित के नियम का पालन एकदम नहीं करता। कौन? सदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता, लेकिन अदिश की अगर हम बात करें साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। अदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है, जबकि सदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता। ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम सदिश की बात करें तो यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता, इसका अपना अलजेब्रा है तो होता है जोड़ घटाव गुणा भाग का, वो अलजेब्रा हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप अदिश की बात करोगे तो यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है, 2+3=5 होता है, लेकिन यहां 6+5=11 नहीं होता। यह साधारण बीजगणित के तहत इसको नहीं जोड़ सकते, इसके लिए अपना इसका अलजेब्रा होता है। किसका? सदिश का। लेकिन अदिश का अपना कोई अलजेब्रा नहीं होता, यह साधारण अलजेब्रा 2+3=5 हो जाता है यहां, लेकिन 5+N+6N=11N नहीं होता, इसका खुद का अलजेब्रा होता है, यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता। कहते हैं क्या? कहते हैं सदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाता है। हम बोले परिमाण फिक्स है, जिसमें दिशा होगा वो सदिश है, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश है। वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाता है।
या साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता, कौन नहीं करता, सभी से एकदम नहीं करता, क्योंकि इसमें दिशा होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा वो सदिश होगा, और सदिश का खुद का अलजेब्रा होता है वो सिंपल अलजेब्रा के नियम का पालन नहीं करता। अदिश वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो अदिश राशि कहलाता, और यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है क्योंकि इसमें दिशा नहीं है। हम बार बार बोले, क्या बोले आपको, सदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता, जबकि अदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है, 2+3=5। ठीक है, गौर फरमाइएगा, यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। अगर हम सदिश की बात करें तो देखो इसका एग्जाम्पल है विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र। देखो सब में ब या व लगा हुआ है, अब गौर से देखो सब में ब या व लगा हुआ है। इसमें भी एक आध को अपवाद है, जैसे आप विभव की बात करोगे, जैसे आप विद्युत धारा की बात करोगे तो ये इसके अपवाद है, जैसे दाब की बात करोगे ये इसके अपवाद है, लेकिन लगभग जितने भी सदिश है सब में ब या व लगा हुआ है। कुछ अदिश में भी लगा हुआ है, जैसे आप दाब ले लो, जैसे आप विभव ले लो, जैसे आप विद्युत धारा ले लो, उसमें व लगा हुआ है या ब लगा हुआ है। द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप और धारा। लेकिन ये कैसे है इस पर सर हम आगे चर्चा करेंगे। इस सब को हम विस्थापन अगले चैप्टर का पहला टॉपिक यही है, वेग अगले चैप्टर का पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक यही है, त्वरण तीसरा टॉपिक। तो ये सर धीरे धीरे हम जब जाएंगे चैप्टर्स में तब इसके बारे में और डिटेल करेंगे, क्यों ये सदिश है, क्यों अदिश है, अभी 2% बुझना है। वह और डिफाइन करेंगे कि इसमें दिशा है इसलिए ये सदिश है, इसमें दिशा नहीं है इसलिए ये अदिश है। ठीक है, तो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, हम फिर से बता देते हैं आपको क्योंकि ये डेली आपको परेशान करेगा। कहते हैं सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो सदिश, जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो अदिश। ठीक है, जिसमें दिशा नहीं वो अदिश, अदिश जिसमें दिशा नहीं, अदिश जिसमें दिशा नहीं, अदिश साधारण बीजगणित के नियम का पालन करेगा क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, ये अपने अलजेब्रा के नियम का पालन करता है, ये सिंपल अलजेब्रा के नियम का पालन नहीं करता, इसके पास दिशा होता है। सदिश हां हो दिशा जिसमें, स मतलब हां, हां हो दिशा जिसमें उसे सदिश, नहीं हो दिशा जिसमें उसे अदिश। क्लियर, जिसमें ब या व लगा हुआ है वो अधिकतर सदिश होता है, बाकी अदिश होता है। विभव और धारा ये अपवाद है, दाब ये तीनों अपवाद हैं जो अदिश में हैं, जिसमें ब और व लगा हुआ है। लेकिन इसके और भी बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे हम लोगों को समझ में आएगी। अभी सर मैं एग्जाम सेंटर पे जाने वाला हूं 10 मिनट में, और वहां से बच्चों का रिव्यू भी लेने वाला हूं और अपने चैनल पे भी अपलोड करने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं सर साइंस से, बाकी क्वेश्चन करंट अफेयर्स और आर्ट्स मिला के आ रहे हैं, और बाकी मैथ और ये रीजनिंग जैसा था वैसा आ रहा है। अब फिर देखते हैं आज के सिटिंग में क्या होता है। नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे बहुत आसानी से बना पा रहे हैं। प्रकाश वर्ष किसकी किसका मात्रक है ये भी पूछा है सर, दूरी का मात्रक बार बार बोले थे उस दिन भी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक ही पूछवे करता है, फिक्स है, अब देखो पूछ भी लिया है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी भी जानते भी हैं, लेकिन सर देखते हैं आज के एग्जाम में क्या होता है। तो 1 घंटे के अंदर मैं आज का रिव्यू अपलोड करने वाला हूँ कि आज के एग्जाम में क्या हुआ। अगर थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। अगला क्लास आपका सर जो भी है वो शेड्यूल है अपने नियमित समय पर, मेरा भी क्लास शाम वाला आज होगा, आज शाम वाली मेरी क्लास होगी, सारी कक्षाएं नियमित समय पर शेड्यूल्ड। ठीक है, और कल मेरी जिन लोगों ने सर NTPC खरीद रखी है उनकी क्लास ऐप पे कल भी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं सर हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।